मई 1999 में भारतीय सेना को पता चला कि पाकिस्तान ने कारगिल द्रास सेक्टर में बड़े पैमाने पर सैन्य घुसपैठ की है। इसके बाद ऑपरेशन विजय सेना की तरफ से शुरू किया गया। ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था। सेना को शुरू में युद्ध में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। सेना कारगिल की जंग में एयरफोर्स की मदद चाहती थी। इसके लिए 24 मई 1999 को तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग शुरू हुई। शुरू में एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन तब के सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक की दलीलों को सुनकर उन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा। नमस्कार, मैं मासूमा चौरसिया आपके साथ और पांच जन में आपका स्वागत है। कारगिल विजय दिवस को 25 साल पूरे हो गए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एयरफोर्स ने कारगिल में बड़ी भूमिका निभाई और जानेंगे कैसे इसराइल ने इस युद्ध में भारत की मदद की थी। 24 मई 1999 को दिल्ली में तीनों सेना प्रमुखों की मीटिंग हो रही थी। सेना को किसी भी हाल में हवाई सपोर्ट चाहिए था। मीटिंग में एयर चीफ मार्शल अनिल यशवंत टिपनिस ने कहा कि दो वजहों से एयर सपोर्ट नहीं दिया जा सकता। एक तो एयरफोर्स के आने के बाद युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा, दूसरा हमारे हेलीकॉप्टर बहुत भारी हैं जो ऊंचाई पर लड़ नहीं सकते। तब सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने कहा कि आपको क्या लगता है, मुझे अपने 40 साल के जीवन में हेलीकॉप्टरों के बारे में नहीं पता। इसके बाद टिपनिस ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन सेना प्रमुख मीटिंग से चले गए। इसके बाद टिपनिस एक और बार सेना प्रमुख से मिले और हेलीकॉप्टर देने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। 25 मई को पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगुवाई में एक मीटिंग हुई और ऑपरेशन सफेद सागर को हरी झंडी मिली। शुरू में एयरफोर्स ने MI-17 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया, लेकिन यह काफी भारी थे, एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ सकते थे। ज्यादा नजदीक जाने पर यह पाकिस्तानियों की जद में आ जाते थे, इसलिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लेकिन पहाड़ों पर सटीक निशाना लगाने के लिए चाहिए थी लेजर गाइडेड मिसाइलें। भारत के पास तब टारगेटिंग पॉड्स भी नहीं थे। यह यंत्र टारगेट को पहचानने का काम करता है। इसको लेकर भारत और इसराइल में 1997 में डील हुई थी, लेकिन कारगिल के समय तक इसकी डिलीवरी नहीं हो पाई थी। वहीं युद्ध के बीचों बीच इसराइल ने भारत की मदद के लिए टारगेटिंग पॉड्स भेजे, साथ ही अपने इंजीनियरों को भी भेजा। लेकिन इसराइल के टारगेटिंग पॉड्स में पेव वे सेकेंड लेजर गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल होता था। इसके आधे पार्ट अमेरिका और आधा ब्रिटेन में बनता था, इसलिए एयरफोर्स ने फैसला किया कि हम भारत में बने बम का ही इस्तेमाल करेंगे। फिर एयरफोर्स ने मिराज 2000H जो कि फ्रांस में बना था, उस पर इसराइल का टारगेटिंग पॉड्स लगाया और उसमें भारत में बना बम फिट किया। इस मिश्रण का टेस्ट भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन एयरफोर्स ने यह जोखिम लिया और इसका इस्तेमाल किया और बम एकदम सही निशाने पर लगा। टारगेट हिल पर जब मिराज ने हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक को छोड़कर कोई जिंदा नहीं बचा। इस हमले को खुद एयर चीफ मार्शल टिपनिस ने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वह पीछे दूसरे फाइटर जेट में सवार थे। कारगिल के मंथोधालों में एयरफोर्स ने 2.5 किलो के 6 बम गिराए थे और 300 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। एयरफोर्स के आने से पहले सेना का मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन एयरफोर्स के हमलों के बाद सेना ने अपनी शक्ति के साथ दोबारा हमला किया और 26 जुलाई 1999 को कारगिल में भारत की जीत का ऐलान हुआ। कारगिल के बाद भारत ने अपनी रक्षा खामियों पर आत्मचिंतन किया और अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाने का फैसला किया। और साल 2000 में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इसराइल का दौरा किया, जिसके बाद दोनों देशों में मंत्री स्तरीय यात्राओं का सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है।